<laughs> पहले वाला सोल कॉन्शियसनेस एटींथ डे तो उसमें आज का है भावना की महसूसता क्योंकि उसमें बाबा ने उस मुरली में कहा दो बातों की महसूसता बताई थी एक है कमजोरी की महसूसता और दूसरा दूसरे की इच्छा व भावना की महसूसता और परिस्थिति द्वारा जो पेपर आने वा, मतलब जो दूसरे की परवश स्थिति की महसूसता जो पेपर के रूप में है वो तो ये दोनों सिचुएशंस बताए तो कल हमने कमजोरी की महसूसता वाला देखा था आज क्योंकि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं ना एकदम क्लीन हूं क्लीन चीज में फीलिंग जल्दी आएगी दिखाई देगा महसूस करना मतलब दिखाई देना तो अब वो मन की भावना को तीनों वे से हम देखेंगे अगेन वो सेम चीज दोनों को बाबा ने बताया कि सच्चे दिल की महसूसता चतुराई की महसूसता और विवेक का खून तीन टाइप की सिचुएशन दो थी कमजोरी वाली एक सिचुएशन दूसरी है और महसूसता तीन टाइप की थी अब भावना की तीनों में हम ये दोनों बातें देखेंगे सबसे पहले सच्चे दिल की महसूसता में फर्स्ट भावना के कनेक्शन में और परवश स्थिति के महसूसता में भावना के कनेक्शन में उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि, कि किसी की इच्छा या भावना को समझना किसी ने मुझे कुछ कहा और एक्यूरेटली जैसे वो बोल रहा है वैसे फील करना भावना को समझना मतलब एक होता है उसमें पॉजिटिव भी है और एक है नेगेटिव भी है अगर किसी के नेगेटिव है तो भी पर जो है जैसा है सपोज हम पॉजिटिव लेते हैं उसको फील करना और इम्प्लीमेंट करना जब फील करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे किसी ने मुझे बहुत अच्छे से बहुत प्यार से कोई बात कही और तो जो उसी उसी लेवल पर उसको फील करना कई बार बोलने वाला बहुत अच्छे से बोलेगा लेकिन जो फील करने वाला है ना लेने वाला है वो उतना उस भाव से लेता नहीं है तो इसलिए जैसे ना भावना इज द कॉस्ट ऑफ़ द सोल जैसे बहुत बार हम कहते हैं मैंने कितना प्यार से बताया तो जिसका सच्चा दिल होगा ना वो वैसा का वैसा समझेगा अब किसी ने बहुत अच्छे से आपको बोला मैसेज दिया हम अगर उतनी ही फीलिंग को समझते हुए देते हैं उसको उसकी भावना को समझते हुए उस बात को तो मतलब मुझे वैल्यू है ना उसकी भावना का और फिर एक मैसेज दे देंगे कि नहीं पॉसिबल नहीं है स्टॉप इट्स ओके वो तो कुछ नहीं लेकिन वो उसकी भावना को मैंने कितना समझा है ये भावनाओं को समझने की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ब्लैंक आंसर हो जाता है मत नहीं मुझे नहीं टाइम नहीं है मुझे मेरे पास समय नहीं है ऐसा नहीं पॉसिबल है तो इसलिए ये बहुत जरूरी है और कभी कभी और जिसका सच्चे दिल से अगर जैसे सपोज मुझे टाइम नहीं है मैंने लिख भी दिया ना जो रियली समझ के लिखा भी होगा ना वो चाहे एक लाइन भी लिखेगा ना उसको लगता है कि हाँ सचमुच ही उसको टाइम नहीं था इसलिए उसने ऐसा लिखा क्योंकि पता है कि ये ऐसे लिखा है तो वो जो लेने वाला भी वैसे नहीं लेगा उस मैसेज को और जिसका रियल होगा ना वो जिस उतना वापस उसको एक्सप्लेन करके भेजेगा चाहे रिकॉर्डेड मैसेज ही भेजो लेकिन भावना तो समझो बाबा क्या कहते बाबा ने वो उस दिन साकार में वो पोटली, नहीं चने की पोटली बाबा ने मंगवाई दादी से याद है ना वो कि वो भूल गई थी लेकिन वो चने की पोटली तो कभी भी कोई बात कोई बोल रहा है कोई मैसेज देता है तो जिसका सच्चा दिल होगा वो ऐसे वापस उसको क्लेरिफाई करेगा समझाएगा और वाइब्रेशन आ जाता है कि हाँ कि रियली really अगर नहीं भी लिखा है उसका नहीं भी लिखना वो भी एक मैसेज है कि सचमुच बहुत बिजी था इसलिए तो ये होता है तो भावना के कनेक्शन में और दूसरा है परवश स्थिति ऑफ आदर्स उसमें कैसे सच्चे दिल की महसूसता क्या होगी कि बेचारा उस आत्मा वो आत्मा रहम दिल के परवश है क्रोध नहीं और उस आत्मा का पार्ट ही ऐसा है क्या कर सकते ना कितना भी आप करो लेकिन पार्ट ही ऐसा है किसी का तो ये समझना इसलिए शॉर्टकट कभी भी यूज नहीं करना है जब सच्चे दिल से कोई लिखता है हम शॉर्टकट में लिख देते हैं तो ये बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट नहीं आज हम किस लेवल की प्रिपरेशन कर रही है इष्ट देवता इष्ट देवता किसे कहेंगे वहां बैठा है है बैठे उसको भावना आ जाती उसकी इतनी हमें महसूसता की शक्ति पावरफुल चाहिए बह तो सामने कोई मैसेज दे रहा है या कोई बोल रहा है उसकी महसूसता ये तो हाँ हाँ जो भी है जिसने उतना किया है वो समझना अब चतुराई की महसूसता दोनों में भावना के कनेक्शन में और ये अब इसमें भी हाँ यस कहेंगे कई बार हम कितनी जैसे वही होता है बहुत अच्छे से बोला है उसको और कल किसी का फोन आया तो चलो जो भी प्रॉब्लम थी फिर समझाया किया थोड़ा समय तो दिया और फिर समझाया भी मोटिवेट भी किया सब कुछ किया और फिर बोला हाँ करेंगे बोला हाँ करेंगे फिर रात को मैसेज आया गया कि पॉसिबल नहीं है मेरे से मैं ये नहीं करूंगी एक मैसेज लाइन में <laughs> तो मैंने कहा देखो उस समय इतना यस कहा इतना कुछ कहा तो और एकदम करना वो ही जो मुझे राइट लगता है ये हम भावनाओं को नहीं समझते तो मतलब वो जो यस यस भी कह रहा था वो क्या था फिर कि अब क्या बोले अभी दीदी बोल रही है तो कुछ बोल तो नहीं सकते ना हाँ हाँ कर दिया तो तो एक थोड़ा सा एक बार वो बच्चे का था ना कि उषा बेन हमेशा कहती है कि बहुत झूठ बोलता था तो फिर बाद में फिर उसको जब समझाया किया तो उसने बोला हमेशा ही वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें छोटा सा बच्चा था उसको बहुत समझाया उषा बहन ने फिर बाद में बोला करेंगे बोला नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे आपसे झूठ बोलेंगे नहीं करेंगे तो पास वो बुजुर्ग था वो व्यक्ति था वो बोला कि ये जो बोल रहा है ना वो भी झूठ है चतुराई की महसूस था जो बहुत मतलब इसमें अगले का कुछ नहीं बेनिफिट होता है हमारा संस्कार हमारा विक्रम बनता है तो ये दिखावे की महसूसता कई बार आप लोगों ने भी अनुभव किया ना कितनों को मोटिवेट करते हाँ हाँ जरूर जरूर आएंगे <laughs> चतुराई की महसूसता है और दूसरा है परव स्थिति ऑफ आदर्श अब इसमें दिखाएंगे कि ओके ठीक है बोल देंगे कि बेचारा ऐसे बोल रहा है लेकिन अंदर में मैंने, मैंने उसके लिए एक वृत्ति बना ली कि ये तो ना ऐसा ही है ये उसकी परवश स्थिति को समझे ना कि बिचारा कितना अपने संस्कारों के वश है तो दोनों बातें हैं एक जो कर रहा है उसके प्रति भी दूसरा जो सामने वाला है उसके प्रति भी मीन्स जो भावना से बोल रहा है उसके प्रति भी क्या भावना होनी चाहिए सामने वालों की और अगर वो सामने वाले ने नहीं सुना तो भी मेरी क्या भावना होनी चाहिए इधर थी स्थिति बेचारा वो क्यों ऐसे झूठ बोल रहा है वो भी अपने संस्कारों के अधीन है ये सोचना है तो चतुराई की महसूस था और तीसरा है विवेक का खून भावना के कनेक्शन जस्ट इग्नोरिंग अदर्स भावना कंप्लीटली वहां तो थोड़ा बहुत तो यस कहा चतुराई वाले में यहां तो पूरा इग्नोर करेंगे <laughs> कोई कोई जरूरत ही नहीं फुल इग्नोर और परवश स्थिति ऑफ आदर्श बेचारा पुराने संस्कारों के बहुत अकॉर्डिंग है एक्ट कर रहा है कंप्लीटली अपने विवेक का खून किया है ना तो ये हमें देखना है कि हमारी ऐसी कोई एक भी ऐसा नहीं है मन खाना चाहिए कि मैंने ऐसे बोल दिया ना मैं इमीजिएटली जाके बताऊ उनको ताकि वो दूसरी आत्मा इतना संकल्प न चलाए मैं क्लियर कर दो उसको बहुत अन्... ये है महसूस करना महसूस होती है। तो आज की प्रैक्टिस क्या है? हाँ तो बहुत बड़ा अकाउंट है दूसरे की भावना को एक्यूरेटली समझे वैल्यू करे उनकी भावना को। कोई भी बोल रहा है उसकी वैल्यू करो और दूसरा परवश है तो रहम दिल बनना ही है दोनों बातें हैं। मुझे फील भी नहीं करना है उसने मेरी वैल्यू नहीं की बेचारा परवश है वो तो है लेकिन मुझे दूसरे की वैल्यू वैसे ही कर दी है जैसे मैं चाहती हूँ बेचारा अपने संस्कारों पे डिपेंडेंट है ना और तीसरा है मैं शक्ति स्वरूप सत्य स्वरूप आत्मा हूं अगेन वो ट्रांसपेरेंट ऐसे जो ट्रांसपेरेंट होंगे ना तो उसको फील होगा कि मैं आत्मा एकदम क्लीन होगा ना तो स्वयं की विजुअलाइजेशन भी क्लीन होगी उसमें दोनों बातें हैं और फोर्थ है बाबा की प्रेजेंस करना उंगली पकड़ कर करे आज का? दादी कैसे करती थी इतना बड़ा यज्ञ चलाया उंगली पकड़ के इसको कहते करण करा बनहार तो ऐसे महसूस करे बाबा करा रहा है बाबा बैठा है बाबा इधर है बाबा इधर, इधर है पूरे घर में बैठा है पूरे ऑफिस में बैठा है या बी से प्रैक्टिस करनी है ठीक है ओके okay, जी